पूछा है कि नजरान मंडी में आप क्या काम करते हैं। मंडी का व्लॉग्स आप भाई पीछे जाके देखो मैं क्या काम करता हूँ। लेकिन वहाँ पे कमेंट किया मुझे मेरे एक दोस्त अक्सर ने कि भैया जी वहाँ पे आप जिस महल पे सब्जी सप्लाई करते हैं वो कैसे होते हैं। भैया जी वो ऐसे महल होते हैं, ये देखें यहाँ पे फ्रूट और सब्जी मतलब बेची जाती है और बड़ी प्रॉफिट के साथ बेची जाती है। अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं अच्छा वाला, मतलब आपको अच्छी कमाई मिले, अच्छी अर्निंग हो, तो भैया जी एक ऐसा वाला महल ओपन करें और फिर बैठ के आराम से खाते रहे। यहाँ पे सब्जी मंडी से अगर 10 रुपए की लाई जाती है तो यहाँ पे जो है ना 15 रियाल की बेची जाती है, मतलब 5 रियाल पर बॉक्स के पीछे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये पैकिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये मंडी में फॉर एग्जाम्पल ये खीरे का जो रेट जो है ना वो 25 रियाल है, लेकिन इसका जो न्यूज करके ना इसको 20 रियाल के बेचा जा रहा है। 20 और 20 40 वो कितना आया, 15 रियाल प्रॉफिट आया। बस सेम ऐसी चीजों पे प्रॉफिट आपको प्रॉफिट मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात क्या है कि आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए और महल को अच्छे तरीके से डेकोर किया हो, तभी तो कस्टमर इंटरेक्ट होते हैं। सिर्फ यही महल नहीं है, बहुत सारे महल है। चलिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन से। हाँ बोलो, कैसा है? ठीक है, ठीक है। ये शॉप के ओनर है मेरे, ये भी बड़े जिगरी दोस्त हैं मेरे, बस कभी कभी शॉप पे मिलते नहीं हैं। ये शॉप का अंदर का व्यू ये देखें, माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप है। और बाहर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो भैया जी इस तरह के ये जो शॉप जिसको हम महल कहते हैं यहाँ पे होते हैं, और ये वो कॉर्नर तक आप देखें यहाँ पे चल रहे हैं। तो भैया जी आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ है जो मेरे ब्रदर जो है ना मिल्लत जो है ना, इनके फ्रूट की शॉप है ये वाली, जो आपको साइड में जो फ्रूट नज़र आ रहा है ये मिल्लत भैया की है, ठीक है ना। और मेरे बड़े स्वीट ब्रदर हैं, आपने इनको लास्ट टाइम ईद के ब्लॉग में देखा होगा। और मतलब बहुत सारे मेरे जो ये जो बंगाली देश, अभी तो भाई आज़ाद करवा दिया हम लोगों ने इनको भैया जी, अब तो ये बड़े ग्लैड है, बड़े खुश हैं। हाँ जी चलिए, मैं जो शाम को यहाँ पे आता हूँ पैसे ग्रही करने के लिए आता हूँ, और मैं सुबह सुबह इन लोगों को माल सप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। ये जो महल जो देखे ना, ये वाले महल, इन पे मैं माल सप्लाई करता हूँ, जो हमारी सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी होता है। तो आपको महल दिखाता हूँ कि कैसे कैसे महल होते हैं यहाँ पे, आप देख तो लिए ना, आगे भी दिखाता हूँ। महल अलजमान है ये वाला, ठीक है, इसमें खजूर वगैरह फ्रूट वगैरह दिखते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे आज लाइट गई हुई है और कार्रवाई देखिए यहाँ पे ठीक हो रही है, कार्रवाई कहते हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो ना यहाँ पे गई हुई है, वरना आपको अंदर से दिखाता सारे। ये मंडी की जो है ना मशहूर शॉप हैं, जैसे मुसा साहब अब्दुल्ला और महल सैरस हसन, मतलब ये देखें ये सारी मंडी है। आपको महल के अंदर लेके चलते हैं, महल की खूबसूरती दिखाते हैं। तो भैया जी मैं आज एक बढ़िया सी शॉप पर हूँ, ये मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला मुसा अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान की ये शॉप्स है, और ये देखें मतलब कितनी खूबसूरत है और ज़बरदस्त वेल करके जो है ना इसका वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है ना यहाँ पे जो है ना वो सजाया गया है। और क्योंकि जब तक आप अपनी शॉप को सजाओगे नहीं, वेल डेकोरेट नहीं करोगे, तो इंटरेक्ट कैसे होगा, कस्टमर आपकी शॉप पर कैसे आएगा। अगर आप मंडी में ऐसा काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक महल होना चाहिए, एक बड़ी सी शॉप होनी चाहिए, जैसे आपने वहाँ से माल और फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी है और यहाँ पे आके आपने इसको ऐसे सजा लेना है पैकिंग शेकिंग करके, तो इसमें मतलब अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। मतलब यहाँ पे हिसाब किताब आप देख सकते हैं कि जो हर चीज़ जो है ना यहाँ पे प्रोटेक्ट की गई है, मतलब हर चीज़ को कवर किया गया है। ये कवर कैसे होता है ये बताता हूँ। एक्चुअली नजरान सूक में जो है ना मंडी में ऐसे वाले बॉक्सेस होते हैं, ऐसे वाले ये देखें, ये नजरान के बॉक्सेस हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे ये टमाटर पड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये टमाटर पड़ा हुआ है, ये टमाटर फिर पैक होके छोटे छोटे बॉक्सेस में आएंगे, वो मतलब थोड़ा सा लो प्राइस में आपके बेचे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि अंदर का व्यू कितना ज़बरदस्त है ये नजरान मंडी का, और वहाँ पर वो प्यारे भैया जो है ना इन बॉक्सेस की जो इस तरह की पैकिंग है वो कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ वो पैकिंग कैसे होती है। जी आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे इसको सऊदी अरब में इसको फिले कहते हैं, ये वाइट वाले बॉक्सेज जो है ना इनको पैक करना पड़ता है। जैसे ये प्यारे भैया जो ये देखें ये यहाँ पे इसको पैक कर रहे हैं, ये बड़ी ये जो बड़ा कार्टन है इसमें कम से कम 3 से 4 किलो ये जो क्या कहते हैं कैप्सिकम जो पड़ते हैं जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, फिर इसमें जो है ना प्यारे भैया यहाँ पर ये देखें इसको एडजस्ट करके इसके ऊपर जो है ना वो की चढ़ाएँगे,
इसको किस बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक पॉलीथीन की तरह होता है ये वाला, तो ऐसे ये पैक हो जाएगा और जर्म वगैरह से जो ये सेफ रहेगा। ये देखें, ये प्लास्टिक का पॉलीथीन जो होता है, जो होता है ना, वो उसको करते हैं और जो जर्म से ये प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर ये आपके यहाँ पे नहीं होगा ना, तो भैया जी आपको होगा फाइन, हो सकता है बगैर पॉलीथीन के, अगर आपने कवरिंग के जो है ना, अगर वेजिटेबल यहाँ पे रखी सजाई ये जो प्लेट। तो अगर आप भी, आपके पास चार पैसे हैं, आप भी कमाना चाहते हैं और बड़ा मुफीद और क्या कहते हैं कि फ़ायदेमंद जो है ना, इसमें अच्छा खासी अमाउंट जो है ना आपको मिलती है पर मंथ, लेकिन पैसा लगाने से मिलता है, मतलब भैया जी ऐसे थोड़ी ना मिलता है, कुछ लगाओगे तो फिर कमाओगे। तो मंडी में ऐसी बेशुमार शॉप्स हैं जिसमें ये वर्क हो रहा है। हमारे दोस्त रियाज में, वो हमें पूछ रहे थे कि वहाँ पे शॉप्स कैसी थी। तो भैया जी आपने शॉप देख ली, उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।